हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज दी इस वीडियो दे विच असी इलेक्ट्रिक फ्यूज दे नाल संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करन जा रहे हैं। तां वीडियो शुरू करन तो पहला, अगर तुसी इस चैनल ते नवे हो, अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां प्लीज़ पहला चैनल नूं सबसक्राइब करो ते इस दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तों पहला पहुँच सके। तो इस ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, जिस दे विच है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फ्यूज। फ्यूज का प्राइमरी फंक्शन की है? ऑप्शन है इसका कि ओपन द सर्कट, सर्कट नू ओपन करन दे लई, प्रोटेक्ट द अपलाइसेंस, अपलाइसेंस नू बचाने दे लई, तीसरा प्रोटेक्ट द लाइन, लाइन नू प्रोटेक्ट करन दे लई, चौथा प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्रॉम फ्लो थ्रू द सर्कट। सर्कट दे विच एक्सेसिव करंट, जो तो ज़्यादा करंट उस दे विच फ्लो होंदा है तो उसनू बचाने दे लई असी जिहड़ा फ्यूज़ है वो यूज करते हैं। यानी कि जिहड़ा फ्यूज़ का प्राइमरी काम हैगा वो हैगा प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्रॉम थ्रू द सर्कट। सर्कट के जदों भी एक्सेसिव करंट, यानी कि जो तो ज़्यादा करंट फ्लो होएगा उस तो जिहड़ा फ्यूज़ है वो ब्लो हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये फ्यूज़ का जिहड़ा प्राइमरी फंक्शन है, इस दा ऑप्शन डी इस दा जिहड़ा राइट आंसर आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ। फ्यूज की जिहड़ी रेटिंग है वो किहदे विच एक्सप्रेस की जाती है? करंट दे विच, वोल्टेज दे विच, वोल्टेज एंपियर रेजिस्टेंस दे विच या केवीए दे विच। तो जिहड़ी करंट की जिहड़ी फ्यूज़ की रेटिंग है उन्हों असी करंट दे विच मेज़र करते हैं। जो तो भी गल होंदी है कि फ्यूज़ किन्ने एंपियर का लगाने, असी 10 एंपियर का, 20 एंपियर का, 30 एंपियर, इस जिहड़ी रेटिंग है वो होंदी है करंट। करंट नू असी मेज़र करते हैं एंपियर दे विच। इस करके इसका जो आंसर है वो आ गया ऑप्शन फस्ट, जिहड़ा इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है, जिस दे विच है इफ फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन। फ्यूज अही कितने नहीं लगाते, न्यूट्रल वायर च, नैगेटिव ऑफ डीसी सर्कट, पॉजिटिव ऑफ डीसी सर्कट या फेज लाइन दे विच। देखो साढ़े को एक होंगी है फेज लाइन और एक होंगी है साढ़े को न्यूट्रल लाइन। तो जिहड़ी फेज लाइन होंदी है उस दे विच असी जिहड़ा फ्यूज़ यूज़ करते हैं, तो न्यूट्रल दे विच असी फ्यूज़ नहीं यूज़ करते। हमेशा जिहड़ा फ्यूज़ है वो फेज वायर दे विच यूज़ किया जाता है। इस करके इसका जिहड़ा आंसर आ जाएगा कि जिहड़ा फ्यूज़ कितने इंसर्ट नहीं किया जाता, फ्यूज़ जिहड़ा न्यूट्रल वायर दे विच इंसर्ट नहीं किया जाता। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार है कि फ्यूज हैव गोट एडवांटेज। फ्यूज दियाँ एडवांटेज की है, फ्यूज के की लाभ हैं? पहला ऑप्शन है कि चीपेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का एक सस्ता साधन है। उस तो बाद इनवर्स टाइम करंट करैक्टरिस्टिक्स, ये जड़ा रिवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक्स है फ्यूज के, या नो मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पैंदी, या करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर द शॉर्ट सर्कट कंडीशन। शॉर्ट सर्कट कंडीशन दे विच करंट नू लिमिट करता है। ऑल ऑफ द अबव, इसका जिहड़ा आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन साढ़े कोल ई ऑप्शन आ जाएगी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। उस तो बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच है, जिस दे विच है कि प्रोटेक्शन बाय फ्यूज इज जनरली नॉट यूज्ड बायोंड।
ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਪੇਅਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਅੰਪੇਅਰ, 50 ਅੰਪੇਅਰ, 100 ਅੰਪੇਅਰ, 100 ਅੰਪੇਅਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 100 ਅੰਪੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਨੋਟ ਬਿਯੋਂਡ 100 ਅੰਪੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਇਨਵਰਸ ਟਾਈਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਆਈਦਰ ਆਫ ਅਬਵ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਟਾਈਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਇਨ ਡੀਸੀ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਤੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਕਟ 'ਚ ਓਨਲੀ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਰਕਟ 'ਚ ਓਨਲੀ ਜਾਂ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੀਸੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਇਨ ਡੀਸੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆਫ ਏ ਫਿਊਜ਼ ਓਪਰੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਓਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਇਨ ਏ ਮੋਟਰ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ? ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਐਂਡ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਦੀ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਐਂਡ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ? ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰੀਵਾਇਰੇਬਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰੀਵਾਇਰੇਬਲ ਫਿਊਜ਼, ਰੀਵਾਇਰੇਬਲ ਫਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਟ ਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਟ ਕੈਟ ਫਿਊਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 11, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ
एच आर सी फ्यूज एज कंपेयर टू रीवायरेबल फ्यूज हैज किया। एच आर सी फ्यूज होंगे हाई रैपचरिंग कैपेसिटी एज द फुल फॉर्म है। तो इनू कंपेयर करते हैं इस कि नो एजिंग इफेक्ट है, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, हाई रैपचरिंग कैपेसिटी या ऑल ऑफ द अबव। इस ऑप्शन डी इज द जड़ा राइट आंसर आ जाएगा। इस कोई भी एजिंग इफेक्ट नहीं होंदा। हाई स्पीड ऑपरेशन इस जी स्पीड है ऑपरेशन की हाई होंगी है, हाई रैपचरिंग कैपेसिटी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी इसका जोड़ा राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12 है कि एच आर सी जोड़ा फ्यूज़ है वो प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किस दे विच बेस्ट प्रोटेक्शन है, ओवरलोड दे विच, रिवर्स करंट दे विच, ओपन सर्कट दे विच या शॉर्ट सर्कट दे विच। तो इसका जोड़ा आंसर वो आ जाएगा जी शॉर्ट सर्कट दे विच जोड़ा एच आर सी फ्यूज़ है वो बेस्ट प्रोटेक्शन करता है शॉर्ट सर्कट के समय। तो उस तो बाद आ गया साढ़े को नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जिस दे विच है कि जोड़ा फ्यूज एलीमेंट है शुड हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट, इहदा जोड़ा मेल्टिंग पॉइंट है हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, सेम होना चाहिए जन नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। इसका जोड़ा आंसर है वो आ जाएगा जोड़ा फ्यूज एलीमेंट है वह जोड़ा मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा लो होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्यूज मेल्ट वेल डैश द फस्ट पीक ऑफ फॉल्ट करंट इज रीच, कि ज़्यादा करंट करंट पीक दे पहुँचन दे लई जिहड़ा फ्यूज है वो की हुंदा है पहला ही मेल्ट हो जाता है। ऑप्शन है बिफोर आफ्टर या सेम या नन ऑफ द दी, इज द आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन ए कि फ्यूज जिहड़ा मेल्ट हो जाता बैल बिफोर फस्ट पीक ऑफ द फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट दे पीक दे पहुँचन तो पहला ही जिहड़ा फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है, तो ऑप्शन ए जिहड़ा इज द राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर आ गया साढ़े को जी 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, उस तो बाद आ गया साढ़े क्वेश्चन नंबर 15 जिस दे विच अकॉर्डिंग टू द फ्यूज ला द करंट कैरिंग कपैसिटी वेरी एज, कि वेरी करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम च बहुत बार आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्यूज ला द करंट कैरिंग कपैसिटी जी है वो डायामीटर दे इक्वल होंगी है वो कपैसिटी, या डायामीटर की पावर 1.5 या डायामीटर की पावर 1/2 या 1/2 डायामीटर। इसका जोड़ा आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाता जी डायामीटर आ जाएगा 1.5 अकॉर्डिंग टू फ्यूज ला, अकॉर्डिंग टू फ्यूज ला जी करंट कैरिंग कपैसिटी है वो फ्यूज की जिन्ना उसका डायामीटर होंगे उसका 1.5 टाइम्स यानी कि डेढ़ गुना। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 16 जिस दे विच है द फ्यूज ब्लो ऑफ वाई, जेड़ा फ्यूज है ब्लो होंदा है आर्किंग दे द्वारा, बर्निंग दे द्वारा या मेल्टिंग दे द्वारा या नन ऑफ दीज। इसका जेड़ा आंसर है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जेड़ा फ्यूज है वो ब्लो होंदा है मेल्टिंग दे नाल, मेल्ट जेड़ी फ्यूज वायर है मेल्ट हो जाती है जिस दे नाल जिहड़ा साडा सर्कट है वो ब्रेक हो जाता है जिन्हों असीं कह दिंदे आ ब्लो ऑफ फ्यूज जिहड़ा उड़ जाता है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जिस दे विच है मटीरियल बेस्ट सूटेड फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ द फ्यूज वायर, फ्यूज वायर की मैनुफैक्चरिंग वास्ते सब तो बेस्ट जिहड़ा मटीरियल है कि सिल्वर है, कोपर है, अलमीनियम है तो जिंक है। हुण इस दे विच सिल्वर है इस करके जिहड़ा बेस्ट मटीरियल है वो असी सिल्वर दी ऑप्शन जिहड़ी है करैक्ट करांगे।
अगर इन ऑप्शन दे विच अगर सिल्वर दी ऑप्शन नहीं होएगी तो सिल्वर दी ऑप्शन दी जगह अगर आयरन आ जाता है उस तो बाद दूसरे नंबर दे जिहड़ी बेस्ट ऑप्शन है वो असी लवांगे कॉपर दी। तो सब तो पहला आ गया साडे कोल सिल्वर, सिल्वर दी ऑप्शन हैगी है तो इस करके ए सिल्वर इसका राइट आंसर आ जाएगा। सपोज करो अगर ऑप्शन विच साडे कोल हुंदा आयरन, कॉपर, एलूमीनियम ते जिंक, तो उस तो बाद फिर अं बेस्ट लेना सी कॉपर। फिलहाल इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिस दे विच है कि फ्यूज जिहड़ा नॉर्मली की हुंदा है पावर लिफ्टिंग लिमिटिंग डिवाइस हैगा वोल्टेज नू कंट्रोल करता है जां पावर नू कंट्रोल करता है जां करंट लिमिटिंग डिवाइस हैगा जां करंट नू कंट्रोल करता है जां पावर फैक्टर करैक्टिंग डिवाइस हैगी जां पावर फैक्टर नू करैक्ट करता है। तो जिहड़ा फ्यूज़ है वो असी इहनू कहिंदे आ करंट लिमिटिंग डिवाइस, एक करंट नू कंट्रोल करता है करंट लिमिटिंग डिवाइस। ऑप्शन सी जिहड़ा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है जिस दे विच है कि कार्ट्रिज टाइप जिहड़ा फ्यूज़ है कैन बी यूज अप टू वोल्टेज ऑफ, इहनू किन्नी वोल्टेज तक जिहड़ा असी यूज़ कर सकते हैं कार्ट्रिज फ्यूज़, 400 वोल्ट तक, 11 के वी तक, 20 के वी तक, 33 के वी तक। इसका जिहड़ा आंसर है वो ऑप्शन डी आ जाना है, इहनू असी 33 के वी तक जिहड़ा कार्ट्रिज फ्यूज़ जिहड़ा वो यूज़ करते हैं। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है फॉर करंट अप टू 10 एम्पीयर विच मटीरियल इज यूज एज फ्यूजिंग एलीमेंट, अगर असी 10 एम्पीयर का फ्यूज़ लगाना है यूज करना है उसके विच असी केड़ी जड़ी वायर यूज करांगे कॉपर सिल्वर एलॉय ऑफ लेड एंड टिन ता जिंक, इसका जोड़ा आंसर है वो आ जाएगा लेड ते टिन, जिस दे विच लेड जड़ी है वो 60% मटीरियल लैड का होंगे तो 40% जोड़ा टिन का होंगे। ये मटीरियल असी यूज़ करा अगर असी 10 अंपेयर तक जोड़ा फ्यूज़ है वो यूज़ करना है, वो जी वायर है वो असी यूज़ करेंगे एलॉय ऑफ लैड तो टिन। तो नैक्सट पार्ट असी अगली वीडियो में डिस्कस करा, अगर तुम वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय।